नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दलितों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सो गए राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार यानी 20 जुलाई को फिर संसद में सो गए। राहुल की यह तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। जिस समय राहुल सो रहे थे उस समय सदन में दलितों के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। पिछले दिनों गुजरात में दलितों के साथ हुई मारपीट के मामले को पूरा विपक्ष आक्रामक तरीके से सदन में उठा रहा था। जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में सरकार की ओर से अपना पक्ष रख रहे थे, पूरा सदन उन्हें सुन रहा था। इसी बीच जब कैमरा अमेठी से सांसद राहुल पर पहुंचा तो वे सोते हुए पकड़े गए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल सदन में सोते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी की अनदेखी पर उमा भारती ने जताया रोष। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने सरकारी कामकाज में हिंदी की निरंतर उपेक्षा पर गहरा रोष जताते हुए बुधवार को कहा कि अंग्रेजी की जकड़न से न निकल पाना एक मनोरोग है जिसका इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। सुश्री भारती ने यहाँ अपने मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुख और शर्म का विषय है कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने के 68 साल बाद भी हम अंग्रेजी भाषा की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए। अपनी भाषा पर जिसे गर्व नहीं होता वह समाज रीढ़ विहीन होता है। राजनाथ सिंह ने कहा दलितों पर अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण। गुजरात में दलित समुदाय के कुछ लोगों की पिटाई की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने इसे सामाजिक बुराई करार देते हुए इसे समाप्त करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इस मुद्दे को उठाया और गुजरात में कानून एवं व्यवस्था विफल होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति गठित करने की मांग की। ट्रंप की राजनीति से पूरी दुनिया को खतरा, जर्मनी के विदेश मंत्री बाल्टर ने कहा। जर्मनी के विदेश मंत्री बाल्टर स्टेनमीयर ने बुधवार को कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की भय तथा एकाकीपन की राजनीति से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। स्टेनमीयर ने कहा कि ट्रंप अमेरिका को और अधिक ताकतवर बनाना तथा देश के बाहर उसकी सुरक्षात्मक उपस्थिति कम करना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में वह स्वयं भ्रम की स्थिति में है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का निधन। पूर्व हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का बुधवार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 180 की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा थे। शाहिद हाल ही में अपनी बीमारी और आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करा पाने के कारण सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक मदद दी गई थी। 80 के दशक के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में शुमार शाहिद की हालत गंभीर चल रही थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां बुधवार सुबह करीब 10:45 पर उनका निधन हो गया। तो मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।